हेलो भाई, मेरा नाम है मयंक देशवाल। भाई आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी वैगनार के सीएनजी वेरिएंट के बारे में। 2023 के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितना प्राइस के अंदर फर्क आ गया, हर एक चीज़ के बारे में आज हम फुल वीडियोस बनाने वाले हैं। फ्रंट लुक्स अगर हम गाड़ी के बारे में बात करेंगे तो यार ओवरऑल लुक जो गाड़ी का है वो एक बॉक्सी डिज़ाइन, टॉय टाइप डिज़ाइन, और भाई बहुत ही ज़्यादा ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई है ना, लगभग 2000 से पहले से, मतलब जब से यार ये गाड़ी जो लॉन्च हुई है, जब से इतना ज़्यादा फेवरेट है ना इंडियन मार्केट के अंदर, एक फैमिली कार जो है वो इसको बोला जाता है। और मतलब भाई जो शोशाबाजी में ज़्यादा नहीं रहते ना, उनके लिए बड़ी यार परफेक्ट कार है ये, क्योंकि ये एवरेज ले लो और चाहे इसका परफॉर्मेंस ले लो, ठीक है, आपको ये 1.2 लीटर के इंजन में भी अवेलेबल हो जाती है, और ये आपको सीएनजी के अंदर 1 लीटर इंजन के अंदर अभी अवेलेबल हो जाती है। बाकी भाई ये है इसका सीएनजी वेरिएंट, जो कि इसके अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन आता है, ठीक है, और भाई अच्छी खासी आपको पावर ये जो है वो आपको निकाल के दे देता है। भाई पावर बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका, ये रहा इसका भाई सीएनजी इंजन, 3 सिलेंडर इंजन आता है भाई इसका 998 सीसी के अंदर, ठीक है। लगभग आपको ये 55 bhp की पावर देता है, 55 पॉइंट कुछ bhp की पावर, और 82 Nm का टॉर्क, 82 Nm का टॉर्क आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और जो कंपनी इसका क्लेम करती है ना सर्टिफाइड, जो उसका एवरेज ARI वाला भाई, वो 34 का कंपनी क्लेम करती है सीएनजी के अंदर, ठीक है। और भाई अगर 34 के हिसाब से अगर इसको फुल टैंक कराएं, 8 या 9 किलो सीएनजी आती है, तो लगभग 270-300 किलोमीटर ये गाड़ी अपना चल जाती है एक फुल टैंक के अंदर, ठीक है, जहाँ पे, या फिर आपका प्रेशर भी वेरी करता है कि प्रेशर आपका किस प्रेशर में आपका जो सीएनजी वगैरह भरवाई गई है, ठीक है। फ्रंट लुक्स अगर आप बात करोगे वैगनार के, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन लाइट आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डेडली, मतलब डॉटेड टाइप आपको, और रफली डिज़ाइन में आपको यहाँ पे पैटर्न दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है टोइंग हुक, और यहाँ पे लेंगे आप भैया आपके फॉग लैंप, ठीक है। अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवाने लगवा लो, कंपनी से लगवाना चाहते हो कंपनी से लगवा लो, कंपनी में आपका थोड़ा भाई ट्रस्टेड रहता है, बाहर में यार थोड़ा आपको ट्रस्टेड नहीं होता, कंपनी में आके भाई आप किसी से ही बोल सकते हो यार ये, और बाहर वाले मानते नहीं है यार अपनी गलती, ठीक है। वायर कहीं कहीं से आपकी कटवट हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों को करवाने में, आप कंपनी से काम कराओ, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन भाई उसकी वारंटी गारंटी भी होती है। फ्रंट में यहाँ पे आप ग्रिल देखोगे, मैट ब्लैक फिनिश के अंदर आपको ग्रिल मिल जाएगी, सिंगल हॉर्न जो है वो आपका यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। और ये आपकी फ्रंट के अंदर क्रोम ग्रिल आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसा लग रहा है गाड़ी जैसे हंस रही हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मारुति का लोगो दे रखा है, पूरा जो है मैट ब्लैक फिनिश में है, और क्रोम से अलग से यहाँ पे आपको मारुति का लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो यार आपको बम्पर जो है डबल टोन में आता है, बॉडी कलर भी, और ये आपका मैट ब्लैक फिनिश के अंदर भी, ठीक है। अभी आप जो कलर देख रहे हैं ये है इसका भाई, इसका वाइट कलर, यहाँ जो आप आपको भाई दो वॉशर्स दे रखे हैं इस तरीके से, और दो वाइपर दे रखे हैं विंडशील्ड वगैरह पे आपको साफ़ करने के लिए। बाकी यहाँ पे आपका सीएनजी का लोगो जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पावर एंटीना का इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, शार्प एंटीना का SH कोई आपको नहीं मिलता है इसका ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, पावर एंटीना आपका। और ये है कुछ भाई इसकी साइड प्रोफाइलिंग में देखोगे तो यहाँ पे आपको साइड फेंटर के ऊपर भाई टर्न इंडिकेटर्स देखने को आपको जरूर से मिल जाएंगे। तो भाई 3655 की आपको इसके अंदर लंबाई मिल जाती है वैगनार के अंदर, 1620 mm भाई इसकी आपको चौड़ाई जो है वो आपको देखने को मिल जाती है भाई, 1675 mm जो है वो आपको इसके अंदर हाइट जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। टायर सेक्शन से अगर आप बात करते हो ना, तो JK टायर्स के इसके अंदर जो है वो आपको टायर जो है दिए गए हैं 155/80R13 इंच के स्टील रिम दे रखे हैं सिल्वर कलर के अंदर, ठीक है। अब तो भाई ऑल्टो K10 में भी ब्लैक कलर के स्टील रिम आ गए, इसमें दे दो। और भाई इसकी प्राइसिंग की बात करोगे ना, तो अब के टाइम पे ये आपको 7,20,000 रुपये की ऑन रोड जो है वो आपको पड़ रही है, ठीक है। वैगनार CNG LXi वेरिएंट, इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं LXi और आपका VXi के अंदर आपके भाई चारों पावर विंडो आ जाते हैं, स्टीरियो वगैरह आ जाता है, और चारों डोरों में स्पीकर्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाते हैं। मतलब एक बात कहूँ तो आपको फीचर्स जो है वो आपके बढ़ जाते हैं, और वैगनार वगैरह पे भाई आपको डिस्काउंट वगैरह तो आपको मारुति की कोई सी भी गाड़ी लोगे तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश में आपके ओवारियम्स दे रखे हैं, ठीक है, ये आपका मैनुअली एडजस्टेबल है, ये आपके रेन वाइजर वगैरह लगा रखे हैं, और आपके मैट ब्लैक फिनिश में आपके डोर हैंडल्स दे रखे हैं, और ये आपका दोनों की जो है आपको मैनुअल मिलेंगी, रिमोट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। VXi में आपको रिमोट का ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। ब्रेकिंग सिस्टम से अगर आप बात करते हो तो फ्रंट में आपको डिस्क दे रखे हैं, रियर के अंदर आपको भाई इसके अंदर ड्रम ब्रेक जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और 2435 mm का आपको इसके अंदर भाई व्हील बेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। एक बार रियर में और चलते हैं, रियर के अंदर आपको पता है सीएनजी वेरिएंट के अंदर आपको डिफॉगर और आपका भाई रियर वाइपर वॉशर SH को आपको ऑप्शन मिलता नहीं है। हाई माउंटेन स्टॉप लैंप मिल जाएगी, वो भी बल्ब के अंदर है, ठीक है, हेलोजन के अंदर। यहाँ पे सीएनजी का लोगो आपका लगा रखा है,
वैगनार ब्रॉड सा एकदम लिख रखा है, ठीक है। और ये पूरा क्रोम के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे मारुति का लोगो, ये भी आपका क्रोम के अंदर है और शाइनिंग क्रोम है, डार्क क्रोम नहीं है कोई। यहाँ पे आपका भाई लाइट दे रखी है जो कि स्कॉर्पियो एन के अंदर अब दी गई है। मतलब बहुत बंदे बोलते हैं कि मारुति को कॉपी किया है महिंद्रा ने, लेकिन भाई स्कॉर्पियो अपनी जगह है और वैगनार अपनी जगह है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना भाई, सही में वैगनार का लुक जो है रियर का, वो स्कॉर्पियो एन से कहीं ना कहीं भाई आता है, पूरा आता है बिल्कुल। मैं टेल लाइट से तो बिल्कुल सहमत हूँ, बस उसके अंदर एलईडी दे रखी है, इसके अंदर आपको हैलोजन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉप लैंप है, ये आपका साइड टर्न इंडिकेटर्स है, रिवर्स पार्किंग लाइट है और पैटर्न डिज़ाइन इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसमें आपका लाइन सी खींची हुई है लंबी 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 इस तरीके से। रियर बम्पर देखोगे बॉडी कलर बम्पर है, दो सेंसर्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं। आजकल तो भाई इसको भी आप चेंज करा सकते हो, मैट्रिक्स वगैरह लगा सकते हो, ये तो खैर डमी है, ठीक है। बस लाइट पड़ने पे ये आपका थोड़ा मतलब दिख जाता है, बाकी तो ये नॉर्मली रहते हैं इसी तरीके से, ठीक है। वह बूट जो है वो ओपन करूँ मैं इसका, तो यहाँ पे आपको भाई बूट ओपन करने के लिए एक चाबी से भी यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हो, और इस तरीके से यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दे रखा है ओपन करने के लिए। तो भाई ये है इसका बूट, 341 लीटर का बूट स्पेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, अगर आप इसका सिलेंडर वगैरह हटा दें तो, ठीक है। वैसे 341 लीटर के साथ बूट पे मिलता है, और भाई इसके अंदर 60 लीटर की कैपेसिटी वाला सीएनजी आपको सिलेंडर दे रखा है, जो लगभग 8-9 किलो इसके अंदर गैस आ जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया 270 या 300 किलोमीटर आपकी इजीली कार जो है फुल टैंक पे चल जाती है। ये आपका स्पेयर व्हील लगा रखा है, ठीक है, ये भी आपका सेम जेके टायर का है स्पेयर व्हील, नियो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ये आपकी पार्सल ट्रे है इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है, आपके सीएनजी के ऊपर से कवर करने के लिए। 60-40 फोल्डेबल सीट्स नहीं मिलती हैं, ना ही एडजस्टेबल ग्रैब है, वो आपके हेडरेस्ट मिलते हैं, ग्रैब हैंडल बोलने वाला था मैं गलती से। ये आपके भाई सीट जो है बेंच फोल्ड सीट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं, चारों ही तरफ आपको सीट बेल्ट जो है वो भी देखने को मिल जाती हैं। देखो भाई सेफ्टी वगैरह को कंपेरिजन नहीं करेंगे हम सिर्फ बात करेंगे एवरेज की, तो भाई एवरेज में कोई मुकाबला नहीं है मारुति की गाड़ियों का भाई। लो मेंटेनेंस कार रहती हैं, ठीक है, और 34 से 35 का वो जो है आपका एवरेज जो है वो निकाल के दे देती है, तो भाई और क्या चाहिए आप सभी को। उसके बाद भाई ये इसके इंटीरियर में चलते हैं, तो ये है इसका इंटीरियर भाई, डुअल टोन में इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक और बेज कलर के अंदर। फ्रंट में आपको पावर विंडो जो है वो दे रखी है, लेकिन रियर के अंदर ना आपको मैनुअली ही मिलेंगी, ठीक है, आपको विंडोज़ डाउन और अप करने का शिफ्टर जो है वो मैनुअली ही मिलता है। ये आपका ओपन लॉक अनलॉक, ठीक है, ये आपका ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको रियर में बोतल होल्डर दे रखा है, कुछ स्पेसिंग है, स्पीकर ग्रिल लगा रखी है, सिस्टम वगैरह आता नहीं है, आप चाहो तो कंपनी से लगवा सकते हो, कोई भी डोल्टन स्टोर लगवा लो, चार स्पीकर लगवा लो, बहुत है, ठीक है, नॉर्मली सुनने के लिए। और नॉर्मली ही बंदा ही लेगा, जो हवाबाज होगा भाई वो वैगनार लेगा ही नहीं, क्योंकि हवाबाजी के लिए है ही नहीं बिल्कुल भी, वो जाएगा फिर स्विफ्ट बलिनो, ठीक है, i20। ये है भाई आपसे रियर से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, ठीक है। और आजकल बंदे सीएनजी भी बहुत स्विच हो रहे हैं, क्योंकि जब से आप सबको पता है भाई डीजल तो डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है, और डीजल की जो सेल्फ लाइफ है वो 10 साल रह गई है, और जो पेट्रोल है वो भाई 15 साल चलती है, और सीएनजी है वो भी 15 साल चल जाती है, क्योंकि पेट्रोल प्लस सीएनजी, ठीक है। और जो सीएनजी है भाई आजकल लोग मोस्टली जो है बाइक वगैरह छोड़ के गाड़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि सेफ्टी को लेके। बाकी ये हेडरेस्ट देखोगे तो भाई आपके फिटमेंट वाले हैं, एडजस्टेबल नहीं है, रियर के भी फिटमेंट वाले हैं वो भी एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो ड्राइवर साइड में यहाँ पे आपको भी बोतल होल्डर, कुछ स्पेसिंग, फ्रंट के दोनों पावर विंडो है, ऑटो डाउन के साथ है, आपके साथ नहीं है भाई। यहाँ पर चार पावर विंडो लॉक, ये अनलॉक, ये आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, यहाँ पर आपका ग्रैब हैंडल है, और ये पूरा भाई आपका हार्ड प्लास्टिक में आपको दे रखा है, ठीक है, और ओपनर है, कुछ लॉक और अनलॉक वगैरह, कुछ वार्निंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके दिए गए हैं, पढ़ लेना काम ही आएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपके भाई जब आप कार लोगे तो, बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो आपके भाई स्पीकर ग्रिल वगैरह यहाँ पे आपकी लगा रखी है, नॉर्मली एडजस्टेबल सीट्स हैं, बाकी फिटमेंट है सब चीज़ वो मैं आपको बता चुका हूँ। फ्यूल पे आपको पेट्रोल और सीएनजी पे स्विच करने के लिए एक आपको डेडिकेटेड स्विच दे रखा है, हेडलैम्प कंट्रोलर है, ये आपके एसी वेंट्स हैं इस तरीके से, हनीक्रोम टाइप आपको अंदर में देखोगे तो ग्रिल आपकी इस तरीके से बना रखी है अंदर से, मतलब डिज़ाइन बना रखा है एसी वेंट्स का, और ये आपका हो गया क्लोज। बाकी भाई इसके इंटीरियर में आ गए हैं, तो स्टेयरिंग वगैरह तो आप सबको क्या ही दिखाना है, स्टेयरिंग वगैरह तो आप वाकिफ हो गए। अच्छा वैगनार का जो व्यू पॉइंट है ना यार, ये देखो कितने ब्रॉड से, मतलब इसके मिरर्स हैं, फ्रंट का व्यू देखो है ना इस तरीके से, मतलब कहीं से विजिबिलिटी लो हो ही नहीं सकती भाई, मतलब कहीं बंदा आ ही नहीं सकता कि भाई यहाँ से नहीं दिख रहा, या वहाँ से विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, एकदम खुला खुला, मतलब जैसे भैया बिल्कुल ही ट्रक वगैरह में बैठ गया हूँ। तो भाई इतनी बड़ी भी खैर गाड़ी है नहीं है, वह की को लगा देते हैं इसकी,
ये लो भाई अपनी लग गई है की। सीएनजी लगभग जो है भाई आपकी फुल है इसके अंदर, और आपका स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग के अंदर दे रखा है, 180 तक लास्ट जो है वो आपकी मार्किंग है। और भाई ये आपका एवरेज दिखा रही है, रेंज तक दिखा रही है भाई, क्या बात है, देखो रेंज तक दिखा रही है, वो भी सीएनजी वेरिएंट, ठीक है। और कुछ आपको ये 58 किलोमीटर शायद चली हुई है ये, है ना, तो भाई इतना तो चल जाती होगी शायद आने जाने में, मतलब खड़ी करने में जो भी है। कुछ इंडिकेशंस दे रखे हैं, इंजन इमोबिलाइजर, पेट्रोल, सीट बेल्ट वार्निंग, और भाई ये आपका हैंड ब्रेक का, ठीक है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर से कंट्रोल दे रखे हैं, राइट हैंड साइड टर्न इंडिकेटर विद लाइट के आपके जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ हॉर्न आपको दे रखा है, जो कि मारुति इको के अंदर भी सेम ही हॉर्न दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है आपका हजार्ड लाइट ऑन करने का ऑप्शन, मैनुअली एसी है, ठीक है, ऑन करने के लिए इस तरीके से, चाहे उसके टॉप एंड विंडो चली जाए आपको मैनुअल ही मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला 12 वाट का सॉकेट, ठीक है। ये कुछ आपका फ़ोन का होल्डर या चिल्लर रख लो। 5 गियर मैनुअल आते हैं, रिवर्स का 6 गियर आपको दे रखे हैं। ये आपका हैंड ब्रेक दे रखा है, आर्म रेस्ट का ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। बोतल होल्डर का जी स्पेसिंग आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे दे रखा है आपका ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स के अंदर स्पेसिंग भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी। ये टिप 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 कर रही है ना यार, ये देखो लाइट कर रही है बहुत देर से, देखो इस वजह से वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उस लाइट का, ठीक है। फ्रंट के अंदर दो आपको भाई एयरबैग दे रखे हैं, और एक बार इसका रिवर्स लगाते हैं तो इसका न्यूट्रल कैसे होगा बे, ये हो गया न्यूट्रल आप बेटे। तो भाई आपके जो काम कर रहे हैं पीछे के सेंसर्स वगैरह, दो सेंसर्स दे रखे हैं इसके अंदर आपके, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। तो भाई यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। अच्छा भाई अब ये मेरे हिसाब से एडजस्ट हो गई है सीट, और ये लाइट फ्रंट के अंदर आप देखोगे ये हाई ये लो बीम, ठीक है। तो हेलोजन के अंदर ही मिलता है यार, इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा खैर क्या ही मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी ये एसी वेंट्स दे रखे, एसी वेंट्स की जो प्लेसमेंट है ना ये थोड़ी गलत दे रखी है यार यहाँ पे, ये थोड़ा और ऐसे होना चाहिए था ताकि पीछे वालों को भी अच्छी से आवाज़ आए। अब क्या है, मैं स्टीयरिंग देखो, मैं ऐसे पकड़ूंगा ना यहाँ पे चलाऊंगा तो सीधा यहीं पे मेरे हाथ भी पूरा हाथ को ठंडा करेगा ये, ठीक है। कैबिन ठंडा नहीं करने वाला, हाथ को ठंडा करेगा ये, ठीक है। बाकी ये है भाई रियर आपका IRVM, ठीक है, लेकिन ये आपका भाई डे नाइट वाला नहीं है, नॉर्मली है, मैनुअली सेट करना पड़ेगा। ये आपको हेलोजन के अंदर मैं आपको एक रूफ में लाइट दे रखी है इस तरीके से, ये आपके सनशेड हैं दोनों तरफ, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर भी दे रखा है, और भाई आपको वैनिटी मिरर का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कुछ आपके ग्रैब हैंडल्स हैं जो कि नॉन एग्जिस्टेबल हैं। अच्छा लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपको डायरेक्ट CNG पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखो अब मैं छोड़ दूंगा तो CNG कट जाएगा, अब मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, ये देखो अभी ये देखो आ गया ना CNG पे भी अपना डायरेक्ट आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, तो ये फ़ायदा भाई इसका, ठीक है। बाकी भाई आपको 7,20,000 रुपये में ये गाड़ी लेना आपको वर्थ इट लगता है कि नहीं लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो, ठीक है। ये इसका वैसे LXi वेरिएंट है, अगर आप इसके VXi वेरिएंट की तरफ जाओगे जिसमें आपको चारों पावर विंडो मिलेंगे, डुअल टिन स्टीरियो मिलेगा, स्पीकर मिलेंगे, ठीक है, हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी। तो भाई अगर आप उस वेरिएंट की तरफ जाओगे तो भाई ऑब्वियसली बात है पैसे बढ़ेंगे, 1-1.5 लाख रुपये आराम से बढ़ जाएगा, जितने फीचर बढ़ेंगे उतने भाई अपना पैसे बढ़ जाएंगे। भाई गाइस अगर आप सबको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो सभी के देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।